दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सब कुछ ठीक हाँ। नहीं बहू बेटा ऐसे जिद नहीं करो। अरे पापा जी मैं देखो तुमको चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। पापा जी मैं कहाँ जिद कर रही हूँ, मुझे सब ठीक दिख रहा है ना। वो डॉक्टर साहब ने जो ड्रॉप दिए थे ना वो मैं कल से डाल रही थी आंखों में, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये तो वाकई चमत्कार हो गया, मतलब एक रात में तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। हाँ हाँ बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, चश्मा लगाने की क्या जरूरत है। अरे बगू बड़े कैसी बात कर रहे हो, क्या ऐसे भी कहीं होता है कि एक एक, एक क्या है चश्मे से छुटकारा मिला। अरे बगू कैसी बातें करते हो, ऐसा कहाँ होता है कि एक दिन आंखों में दवाई डाली और आंखें ठीक हो जाएंगी। वो तो है ना पापा जी, वो दवाई है किसी किसी पे जल्दी भी असर करती है। मुझे सब दिख रहा है साफ साफ। अब देखिए आप पापा जी हैं, ये आपका भग्गू बेटा है ना, और ये कथक है ये गद्दा। ठीक है तो अच्छा ही बताओ वो बेटा ये कितनी उम्र है। पापा जी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। हाँ पापा जी सब। अच्छा बेटा बताओ ये कितनी उंगलियां हैं, बताओ ना। ये तो बोलो। हाँ बोलो। तीन है। हाँ। ये तीन नहीं है, ये जानते हूँ पापा जी, ये दो उंगलियां हैं। वो मुझे पता था कि मैं तीन बोलूंगी ना तो आप लोग घबरा जाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया। पर मुझे पता है कि दो उंगलियां हैं। देखा पापा जी ठीक से दिखाई दे रहा है ना मुझे। तो मम्मी झूठ क्यों बोलेगी, दवाई का असर हो रहा होगा पापा जी। वही तो हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। सच बताओ मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा पापा जी मैं आता हूँ। अरे बंगू बेटा बो बेटा सच्ची सच्ची बताना मुझे, बो बेटा सच सच बताना, तुमको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हाँ पापा जी मैं अपनी आंखों के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी, सब ठीक से दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं आपके लिए बिना नमक की चाय बना कर लाती हूँ, तभी आपको विश्वास होगा। एक थोड़ा सा टाइम ले ले पापा जी डायलॉग के पहले, कि मैं अभी तक उधर देख ही रही हूँ कि एक वो होप में अभी कुछ हो गया है। एक्शन। अरे बाबू बेटा लोग चले गए, बात ही नहीं सुनते। अच्छा बाबू बेटा एक बात सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें वाकई में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हाँ पापा जी, अरे मैं अपनी आंखों के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी, मैं आपके लिए बिना नमक की चाय बना कर लाती हूँ, तभी भरोसा होगा आपको। वाकई में सब कुछ सही सही दिखाई पड़ रहा है। हाँ पापा जी मैं अपनी आंखों के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी, एक काम करती हूँ आपके लिए बिना नमक वाली चाय बना कर लाती हूँ, तभी आपको भरोसा होगा। अभी लाई हूँ पापा जी, अभी बना कर लाती हूँ। नहीं वो आज मैं ऑफिस में जो है, ये तुम्हारा चश्मा, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैं आपसे चश्मा नहीं लगाऊंगी बस। क्यों ब्लॉक लगाना चश्मा अंदर आएगा ना। क्यों उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे चश्मा नहीं लगाऊंगी। उसके बाद पापा जी का है ना। नहीं पहले कोई जरूरत नहीं, मैं आज से चश्मा नहीं लगाऊंगी। क्यों? अरे वो
अरे बहू बेटा खड़े होके जरा ऐसी जिद नहीं करते, तुम्हें तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा ना। पापा जी मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, वो डॉक्टर साहब ने जो ड्रॉप दिए थे ना बस वो डाल रही हूँ ना कल से। नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप दिया। एक्शन। अरे बहू बेटा ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हें चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा ना। अरे बहू बेटा ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हें चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं पापा जी मैं जिद कहाँ कर रही हूँ, मुझे अब दिखाई दे रहा है सब ठीक से। अरे वो डॉक्टर साहब ने आई ड्रॉप दिए थे ना वो कल से डाल रही हूँ तो अब ठीक दिख रहा है मुझे। अरे वाह, ये तो है ही नहीं फ्रेंड, तो अब ठीक दिख रहा है मुझे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, चलो कम से कम चश्मे से छुटकारा तो मिला। तो। अरे बब्बू बेटा ऐसे कैसे है, एक ही दिन में ड्रॉप डालने से आगे कैसे ठीक सही हो जाएगी। पापा जी इसमें, अरे वो दवाई है ना किसी किसी पे जल्दी काम कर जाती है। हाँ, मुझे ठीक हो गया वो, अब देखिए सब साफ दिखाई दे रहा है। देखिए आप पापा जी हैं, ये आपका भग्गू बेटा है, और ये तखत है, ये उसके ऊपर दरी है, और वो डाइनिंग टेबल और वहाँ नमक की डिबिया रखी है ना, देखा सब साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा तो ये बताओ कितनी उंगली है, बोल दो ना। हाँ ये तो तीन उंगलियां हैं। नहीं ये पता है पापा जी, ये दो उंगलियां हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं तीन बोल दूंगी तो आप लोग ये दो से ज्यादा। अच्छा तो ये बताओ कितनी उंगली है। हाँ हाँ बताओ। ये तीन उंगलियां हैं पापा जी। नहीं ये दो है, मुझे पता है, लेकिन मैं जानती थी कि तीन बोलने पर आप लोग ऐसे ही हैरान हो जाएंगे। मजाक कर रही थी पापा जी। अच्छा। पता है मुझे दो ही उंगलियां हैं, देखा सब साफ दिखाई दे रहा है ना मुझे। और पापा जी बॉबी झूठ क्यों बोलेगी, अगर दवाई का असर हो रहा होगा तो फिर चश्मा लगाने की क्या जरूरत है। वही तो। सुनो थैंक यू सो मच। चश्मा लगाने की क्या जरूरत है। थैंक यू सो मच। और सुनो बहुत एक्शन। तो चश्मा लगाने की क्या जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ। और सुनो थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही हो। चश्मा तो तुमको पहनना ही पड़ेगा। पापा जी मैं कहाँ जिद कर रही हूँ, मुझे अब सब ठीक दिखाई दे रहा है, वो डॉक्टर साहब ने जो ड्रॉप दिए थे ना वो कल से डाल रही हूँ ना मैं, तो अब यहाँ पे ड्रॉप। अरे बहू बेटा तुम्हारे पैसे नहीं मिलते, तुम चश्मा पहन रही। पापा जी मैं कहाँ जिद कर रही हूँ, अरे मुझे अब दिखाई दे रहा है ना साहब, वो डॉक्टर साहब ने जो आई ड्रॉप दिया था ना वो कल से डाल रही हूँ मैं आंखों में, तो अब नजर ठीक लग रही है। अच्छा वहां ये तो चमत्कार ही हो गया एक रात में। वाह वाह, कम से कम चश्मा लगाना।